हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। दोस्तों, जो मैं टॉपिक में आज आपके सामने लाने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपके पढ़ाई से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्योंकि आप सबके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ऑब्वियसली बात है आप सबको टेंशन तो होगी। टेंशन क्या होगी कि जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड कम होता जा रहा है वैसे वैसे आपके पास सिलेबस पढ़ने के लिए ज़्यादा आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप उस कम ड्यूरेशन में भी आप अपने उस वास्ट से वास्ट सिलेबस को भी कवर अप कर पाएँ। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी ओर से आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको इस कम ड्यूरेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है क्वालिटी। आपको अपनी पढ़ाई के अंदर क्वालिटी को लाना होगा। क्यों? कई बार क्या होता है, कुछ लोग अगर मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 5 या 6 डेज है, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और तो मैं यहाँ पर जो मेरा फोकस रहेगा कि मैं दिन के मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पढ़ पाऊँ। तो बिल्कुल सही बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है जब आप लगातार कॉन्टीन्यूसली आप लंबे समय तक पढ़ते हैं तो आपका उस समय क्वालिटी कम, आपकी जो क्वालिटी होती है वो रीडिंग की वो गिर जाती है और क्वांटिटी बढ़ जाती है। सो आपको क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का मेन ध्यान रखना है। अभी क्वालिटी और क्वांटिटी का मतलब क्या है, चलिए मान लीजिए मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, लेट सपोज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2nd 11th क्लास का, और मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब 1 घंटे बाद मुझे मेरी बॉडी में थोड़ी सी थकान हो रही है, बट अब मैं इस टाइम रेस्ट ना लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे और पढ़ गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आप 2 घंटे पढ़े हो थकने के बाद, इसके बाद आपकी बॉडी, आपके माइंड को सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में आपने वहाँ पे कुछ गेन नहीं करा। इससे अच्छा अगर आप ये करते, आप 1 घंटा पढ़ लिए, अगर आप थक चुके थे आप वहाँ पे 15 मिनट का रेस्ट ले लेते, तो जब आप उसके बाद अगर आप 1 घंटा पढ़ते, 2 घंटे नहीं पढ़ते, तो आपको जितना 3 घंटे में आया वो आपको 1 घंटे में ही आ जाता। तो पहली चीज़ क्या करनी है, पहली चीज़ क्वालिटी मेंटेन करनी है। मतलब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप जितना भी पढ़ो वो आपको लर्न होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए, सबसे मेन चीज़ ये। इस टाइम में बच्चे क्या करते हैं कि उनका बस ये होता है कि हम दिन के मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ें, और वो उनके बस माइंड में एक कहते हैं वहम सा क्रिएट हो जाता है कि ठीक है हमने पढ़ लिया दिन के 12 घंटे तो हमें बहुत कुछ आता है, बट ऐसा नहीं होता, ये एग्ज़ाम में पता लग जाता है। सो पहली चीज़ क्या, क्वालिटी। देन सेकेंड चीज़ क्या, देखिए अगर आपके पास 5-6 डेज या 30 डेज जितना भी आपके पास ड्यूरेशन है, आपको उस ड्यूरेशन में पूरा स्कोर कवर अप करना है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर अप करना है आपके टिल एग्ज़ाम तक। अब करा कैसे जाए, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, अपना एक शेड्यूल बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल कैसे, वो बच्चों वाला टाइम टेबल नहीं, जब आप पहले बच्चे थे आप क्या करते होगे, आप करते होगे 2 से 5 मुझे पढ़ना है, देन 5 से 6 मुझे खेलना है, देन 7 से 8 पढ़ना है, ऐसे वाला टाइम टेबल कभी काम नहीं आता। यहाँ पर टाइम टेबल का मतलब है आप एक चार्ट पे, आप रोज़ आप पहले एक चार्ट पे लिए, एक चार्ट लीजिए, चार्ट में ये डिसाइड करिए कि मेरे पास अभी कितने दिन बचे हैं मेरे एग्ज़ाम्स के लिए। लेट सपोज़ कि मेरे पास 10 डेज बचे मेरे एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक चार्ट पर उस जो मेरा सिलेबस है, लेट सपोज़ मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं ये वाले, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देखूँगा कि जो मेरे एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स का पैटर्न निकला। लाइक मान लीजिए मेरा पहला एग्जाम फिजिक्स का पड़ता है, देन 2nd केमिस्ट्री का, देन 3rd बायोलॉजी, एंड 4th इज मैथ। ये मेरे 4 एग्जाम के सीक्वेंस हैं। तो मुझे ये भी देखना होगा कि साथ में मुझे कि इन एग्जाम्स के बीच में मुझे कितना ड्यूरेशन मिल रहा है इनकी तैयारी के लिए। जिस एग्ज़ाम को आपको सबसे कम टाइम मिल रहा है आपको करने के लिए एग्ज़ाम में, सबसे पहले उस सिलेबस को आप ऑलरेडी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उस सिलेबस को अच्छे से नहीं करेंगे अभी तो आगे चल के जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, पहले आप ये देखिए आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है। जिस एग्ज़ाम में आपको सबसे कम छुट्टी दी गई है, आपको लगता है कि इस ड्यूरेशन में वो सिलेबस कवर करना मुश्किल है, तो आप एक काम करिए, आप अपने एग्ज़ाम से 5 दिन पहले उस टॉपिक को पूरा का पूरा कर डालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे पहले करना है और कौन सा बाद में। अब सवाल आता है कि अगर मान लीजिए मैं केमिस्ट्री पढ़ने बैठा हूँ पूरे दिन, तो क्या मैं केमिस्ट्री ही पढ़ता रहूँ? अगर मैं पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ूंगा तो ऑब्वियसली बात है मैं बोर हो जाऊंगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट से हमारा माइंड बोर हो जाता है। सो मुझे वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ पर हम दूसरा मेथड करेंगे, ऑल्टरनेटिव मेथड। ये क्या मेथड क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, लेट सपोज कि मान लीजिए मैं मुझे केमिस्ट्री में, लाइक मान लीजिए मुझे आज 11th क्लास में मुझे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2nd से
से लेकर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच चैप्टर करने हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं ज़्यादा नंबर ऑफ चैप्टर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मैंने अगर मैंने 10 डेज लिए तो मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं नंबर ऑफ चैप्टर्स पर डे के ज़्यादा ले रहा हूँ। अब मुझे 5 चैप्टर्स करने हैं तो मैं यहाँ पे 5 चैप्टर्स करूँगा, लेकिन अगर मैं कॉन्टिन्यूसली करूँगा तो मैं हो जाऊँगा फ्रस्ट्रेट। इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर करा, उसके क्वेश्चंस करे, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाऊंगा और उसे पढ़ूंगा, क्योंकि बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसे पढ़ते वक्त मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होगी। दैट मीन्स आपने केमिस्ट्री पढ़ते वक्त एक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आपने पहले पूरी पोटेंशियल से केमिस्ट्री पढ़ी, देन जहाँ पर आप टायर्ड हुए 10 मिनट का रेस्ट लिया, 20 मिनट का रेस्ट लिया, आपने बायो पकड़ ली। जब आप बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन केमिस्ट्री को और जल्दी कैचअप कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो पहले जो अपने सब्जेक्ट पढ़ा है वो बायोलॉजी था, आपका केमिस्ट्री नहीं था, तो आप केमिस्ट्री से बोर ऐसे नहीं होंगे। सो आप किसी भी सब्जेक्ट को जिससे आपको लंबे ड्यूरेशन के लिए करना हो, उसके बीच बीच में आप अपना कोई इंटरेस्टिंग जो आपका चैप्टर है, जो आपकी सब्जेक्ट है, उसको लाइए, उसको पढ़िए, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप इसमें बोर नहीं होंगे। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप एक काम और करिए, रोज उठने से पहले सुबह एक शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल। यहाँ पे टाइम टेबल मतलब कोई टाइम से मैं यहाँ पे मेरा टाइम टेबल मतलब ये नहीं कि आप फिक्स टाइम दीजिए, ना ना आपको बताना करना क्या है, करना ये है कि सुबह उठकर आपको एक पेज पे लिखना है कि मुझे इस पूरे दिन में कितने चैप्टर करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स। अब चारों के दिन में मत रखिएगा, चारों के दिन रखेंगे तो आप चारों कवर नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा मेरी राय मानिए आप दिन में 2 सब्जेक्ट रखिए, लाइक मान लीजिए मैं रखता हूँ आज, तो मेरे हिसाब से मैं रखता हूँ आज फिजिक्स और बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी एक थोड़ा लर्निंग सब्जेक्ट है, सो लर्निंग और फिजिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, सो दोनों एक अपोजिट, तो मेरे ब्रेन के लिए दोनों बेहतर है। देन आज मेरा फिजिक्स और बायोलॉजी का मैंने अगर रखा शेड्यूल, तो मैं यहाँ पर रखूँगा कि मुझे आज पूरे दिन में फिजिक्स के 3 चैप्टर करने हैं और बायोलॉजी के 4 चैप्टर करने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो होना पड़ेगा, आपको अपने आप से रूप होना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को लेकर ही सॉफ्ट हो गए तो आप कम से कम ड्यूरेशन में आप अपने टाइम टेबल को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाएंगे। रूप मतलब क्या, लाइक मान लीजिए मैंने कहा, मैंने सुबह लिखा था कि मुझे फिजिक्स के 3 चैप्टर करने हैं, बायोलॉजी के 4 करने हैं और रात के 10 बज चुके हैं, और मैंने कहा कि 2 घंटे बाकी, छोड़ो जो बाकी रह गए एक चैप्टर वो मैं कल कर लूंगा। अगर ये चीज आपके अंदर आ गई तो आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप को ही लेकर ज्यादा रूडनेस नहीं दिखाई। अगर आप इस वक्त ऐसा करें कि नहीं नहीं 2 घंटे बचे और हमें करना है, जब ये चीज आ जाएगी तो आप अपने आप ही उस चीज को कर लेंगे और आप जैसे जैसे अपना सिलेबस भी कवर करते जाएंगे, आपके अंदर अल्टीमेटली नॉलेज की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। सो क्या करना है, पहली चीज़ क्वालिटी, दूसरी चीज़ क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको अगर आपको लंबे ड्यूरेशन में पढ़ना है तो बीच बीच में अपना कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो उनके सब्जेक्ट है वो लाते रहिए, चाहे वो आपका उसी सब्जेक्ट का टॉपिक हो या किसी दूसरे सब्जेक्ट, आपका इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो टॉपिक लाते रहना है। देन तीसरी चीज़ क्या करनी है, तीसरी चीज़ आपको टाइम टेबल बनाना है। चौथा टाइम टेबल कैसे बनाना है, टाइम टेबल आपको पूरे दिन का बनाना है, टाइम का नहीं बनाना। पूरे दिन में आपको लगे जिस टाइम आपको बेस्ट लगे आप उस टाइम पढ़ने बैठ जाइए, और अगर 10 दिन हैं आपके पास तो आपकी सबसे पहली अप्रोच कि आपको टाइम बचाना पड़ेगा। मतलब अगर आप सुबह उठे हैं, सुबह उठने के बाद आप पढ़ रहे हैं, आप 8 बजे से पढ़ना चालू हुए और करते करते आपको 12 बज गए, पता नहीं लगा आपको कब 12 बज गए, ठीक है। अब आप 12 बजने के बाद, अच्छा एक चीज़ और, जब भी आप पढ़ें तो जब आप पढ़ लें 2 से 3 घंटे लगातार, उसके बाद रेस्ट ज़रूर कर लें। या फिर रेस्ट का मतलब क्या है, कई बच्चे रेस्ट का मतलब जाते हैं टीवी के सामने बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो उनका रेस्ट है, कई बच्चे मोबाइल में लग जाते हैं सोचते हैं वो उनका रेस्ट है। अब मुझे एक बात बताइए कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी का जो इंजन है, जो इस पूरी बॉडी को चला रहा है, वो क्या है, ब्रेन। ह्यूमन बॉडी का इंजन क्या है, ब्रेन। मान लीजिए कोई गाड़ी है बहुत लंबी चलकर आई है और उस गाड़ी को थोड़ा आराम देना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसको गाड़ी को रोक देना चाहिए और गाड़ी उस टाइम पे ऑन रहे, या दूसरा मुझे गाड़ी ऑफ ही कर देनी चाहिए। मतलब दो सिचुएशन, दोनों में गाड़ी रुकी हुई है, नहीं चल रही है, लेकिन एक सिचुएशन में गाड़ी का हमने जो इंजन है वो चालू कर रखा, लेकिन हमने इंजन ऑफ कर रखा है। सो आप कहोगे कि जो जिसमें हमने इंजन ऑफ कर रखा है गाड़ी उस समय रेस्ट पर है। सेम आपके साथ भी होता है, अगर आप टीवी या कोई भी आप मतलब फिर कोई एक्टिविटी करते हैं जिस टाइम पे आपकी आप उस टाइम पे मतलब अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक आप सो आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई व्हाट्सअप कर रहे हैं, कोई आप ऐप भी चला रहे हैं, तो ये एक्चुअली में क्या है, आपका ब्रेन काम कर रहा है अभी भी। यहाँ पर मेरा रेस्ट कहने का मतलब है आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं, आपके ब्रेन को रेस्ट देना है। आपकी बॉडी को रेस्ट की नीड नहीं होती इतनी जितनी ब्रेन को होती है। सो अगर आप वहाँ पर आधे घंटे में अपने ब्रेन को रेस्ट दे देंगे, तब जब आप उस आधे घंटे बाद
जब आप उठेंगे, जब पढ़ेंगे, तो आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको जल्दी से आ जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। बहुत लोग पेरेंट्स कहते हैं सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। अब बताता हूँ रीजंस के पीछे का क्या है। जब भी हम रात को सोते हैं तो रात को लेकर हम सुबह तक सोते हैं, हमारे जितने भी ब्रेन्स के न्यूरॉन्स हैं वो सब के सब, जो हमारे ब्रेन्स है, पूरा ब्रेन हमारा पूरा का पूरा शांत हो जाता है। और इसके अंदर कोई भी जो हमारे लेकिन जो भी टेंशन चली थी, वो टेंशन हमारे ब्रेन में उस वक्त नहीं आती। मतलब हमारा पूरा ब्रेन रिलैक्स हो चुका होता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद आपके ब्रेन को कोई टेंशन नहीं होता, तो उस टाइम पे उसकी वो पावर होती है कि आप जो भी पढ़ोगे वो उसके ब्रेन के अंदर आ जाएगा। आने का रीजन क्या है? ब्रेन ने अच्छी तरह से रिलैक्स कर लिया, अपने आप को इतनी अच्छी तरह से रिलैक्स कर लिया कि आप जो भी पढ़ोगे, जो भी जोगे डालना चाहोगे, दिमाग उसको आराम से अंदर से ले लेगा। सो रीजन यही है। दैट मीन्स आपके रेस्ट, अगर आपकी नींद है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नींद बहुत ज्यादा है तो गड़बड़ है। तो ये रेस्ट नहीं होगा, ये तो फिर परमानेंट रेस्ट हो जाएगा। आपको परमानेंट रेस्ट नहीं लेना है, ठीक है? आपको रेस्ट सिर्फ एज अ रेस्ट के तौर पर ही लेना है। सो यहाँ पर आपको ये करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए? सबसे पहली चीज, आपको क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए वो 10 या 12 घंटे आपके क्वालिटी के होने चाहिए। मतलब अगर आप उन 10-12 घंटे पढ़े तो 10-12 घंटे में आपका फोन, आपके किसी भी दोस्त से आपकी बात, इवन बाथरूम, आपको कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। पता लगा आप 2 घंटे पढ़ने बैठ गए, आपने आधा घंटा अपना घंटा पढ़ाई करी, आधा घंटा आसपास देखा, आधा घंटा फोन पे बात करी और आधा घंटा मम्मी से या भाई बहन से बातें करने में निकाल दिया। तो ये 2 घंटे नहीं कहे जाते। आप भले ही दिन में 6 घंटे पढ़े, लेकिन वो 6 घंटे ऐसे जिसमें एक एक सेकंड आपने पढ़ाई को दिया हो। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, वो 12 घंटे किसी काम के नहीं है। अगर आप ऐसे 12 घंटे पढ़ते हो तो एक्चुअल में आप 1 घंटा पढ़े हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप 12 घंटे पढ़े हो। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। मेरी राय मानिए, आप 2 घंटे लगातार पढ़िए, 2 घंटे, बीच में आधे घंटे का गैप दीजिए, ठीक है? और हमेशा जब भी पढ़ने बैठे उससे पहले आपको जो खाना, आप हैवी मील ना लें। आप जब भी पढ़ने बैठे उससे पहले हैवी मील बिल्कुल ना लें। आप ज़्यादा खाना मत खाइए। ज़्यादा खाना खाओगे तो आपकी बॉडी रेस्ट में जाएगी, फिर आपको और ज़्यादा नींद आएगी, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। और पढ़ते टाइम अपनी वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपकी बैक को स्ट्रेट रखिए, क्योंकि जब अपनी वर्टिब्रल कॉलम को अपने कर्व कर लेते हैं तो आप जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपके ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती, और जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती तो वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है और वो उस टाइम पर आपका काम करना बंद कर देता है। और एक बात और, पढ़ते वक्त पानी जरूर पीजिए। पानी आपके ब्रेन का सबसे मेन हिस्सा है। अगर आप पानी जितना पिएंगे आपका ब्रेन उतना एक्टिव रहेगा और आपको चीज़ें जो हैं वो आपको जल्दी समझ में आने लगेंगी। सो दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पूरे दिन में जब पढ़ें तो 2 घंटे पढ़ें। 2 घंटे में कोई अच्छा 2 घंटे पूरे दिन की बात नहीं कर रहा, मैं 2-2 घंटे करके पढ़ें और 2 घंटे में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आपको जो बाथरूम जाना है या आपको फ्रेश होना है या नहाना धोना, वो सब आप पढ़ाई से पहले करिए। जब आप पढ़ने बैठ जाए उस टाइम पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इवन अर्थक्वेक भी आ जाए तो आपको तब भी वहाँ पर पढ़ते रहना है, क्योंकि वहाँ पर 1 सेकंड का भी डिस्ट्रक्शन आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आगे चलकर। सो 2 घंटे आपको वो करने हैं, ठीक है? और हर 2 घंटे बाद आपको आधे घंटे का रेस्ट करना है। सो ये चीज अगर आप करते हो तो आपको चीजें भी जल्दी समझ में आ जाएंगी। सो अब मैं एक टॉपिक बात और करता हूँ। मान लीजिए एग्जाम है मेरा, लेट्स सपोज एग्जाम है मेरा, लाइक मान लीजिए 10 फरवरी को मेरा एग्जाम है, ठीक है? आज डेट है 2 फरवरी। सो आज 2 फरवरी और एग्जाम मेरा 10 फरवरी को, मेरे पास बचे हैं 8 दिन। अब मुझे इस 8 दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये चारों करनी है। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा अपनी डेट शीट। लाइक मान लीजिए मेरा पहला पेपर है फिजिक्स का, ठीक है? एंड देन फिर मेरा पेपर है किसका, केमिस्ट्री का, देन बायोलॉजी का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इन चारों सब्जेक्ट के डाउट्स अपने टीचर से क्लियर कर लूँगा, क्योंकि डाउट्स अगर मैंने अभी क्लियर कर लिए तो ठीक है, क्योंकि आगे क्लियर होने मुश्किल है, क्योंकि आगे आप इसी में फंस जाओगे कि मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या। सो पहली चीज, आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए एग्जाम से 8 या 10 दिन पहले, ठीक है? तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं अपने पहले डाउट सारे क्लियर कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा अगर मेरा फिजिक्स का एग्जाम पहले है तो मेरे डाउट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है? मैं एक बार थोरली फिजिक्स को रिवाइज कर लूँगा ऊपर से, थोरली मतलब ऊपर से जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं मैं वो रिवाइज कर लूँगा, उनको क्वेश्चंस कर लूँगा। देन फिजिक्स के बाद मेरी बारी है इसकी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अगेन जो डाउट्स हैं मेरे केमिस्ट्री के, मैं अपने सर से जाके वो डाउट्स अपने क्लियर कर लूँगा। डाउट क्लियर करने के बाद मैं फिर केमिस्ट्री के उन टॉपिक को दोबारा पढ़ूंगा जो मुझे बहुत कम समझ में आया, जिसमें मेरे एग्जाम में नंबर कट सकते हैं।
यहाँ पर आप पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करने से अच्छा पहले उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को करिए जो आपके नंबर काट सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो मैं उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करूँगा। यहाँ पे करने का मतलब क्या, रीडिंग, बिल्कुल रीडिंग के साथ मैं एक चीज़ और करूँगा, क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, जब हमारा मोटिवेशन वीडियो आया था तो उसमें कहा गया था कि मैं कि क्वेश्चंस करना ज़्यादा बेटर है, क्वेश्चन करने से यानी कि टेस्ट देने से आपकी जो इंप्रूवमेंट, जो स्किल है वो और ज़्यादा बेटर बन जाती है। सो मैं वहाँ पर अपने जो चैप्टर जो मैं पढ़ूँगा उसके बाद उसके क्वेश्चन जरूर, क्योंकि क्वेश्चन के बिना आप उस चैप्टर को इतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। सो आपको ये करना है। देन उसके बाद क्या करना, उसके बाद केमिस्ट्री हो गई, देन बायोलॉजी, एंड देन मेरा आ गया मैथ्स। तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी क्योंकि एक मतलब मुझे पसंद है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रोज़ की रात को सोने से एक घंटा पहले मैं रोज़ बायो पढ़ूँगा। इससे क्या होगा, जब मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ूँगा और मैं पहले वो पढ़ूँगा अगेन जो मुझे बहुत कम समझ में आता है, मैं पहले वो पढ़ूँगा, क्योंकि जो समझ में आता है उसको आप कम टाइम में कर सकते हो और वो कम टाइम आपको एग्जाम मिल जाएगा। लेकिन जो समझ में आपको नहीं आता, जो आपके एग्जाम में आपके नंबर कटा सकता है, उसको अगर आप एग्जाम में करोगे तो आपको टेंशन हो जाएगी, इससे पहले एग्जाम से पहले उन चीज़ को कर डालो, ठीक है। और मैथ्स के लिए आपके, मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस काम में आती है, जो आपने पूरे साल में ऐसे प्रैक्टिस करी है उसी बेस पर आप ऐसे नंबर ये कर सकते हो। मैथ्स के लिए ऐसा नहीं है कि आप 8-10 दिन पहले करना शुरू करो तो वो आपका हो जाए, उसके लिए आपका पूरे साल की मेहनत काम में आती है। सो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अगर आप टेंशन लोगे तो वो आपका एग्जाम खराब कर जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा है, टेंशन फ्री रहने से आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाता है। और जैसा मैंने पहले वीडियो में कह रखा है, आप अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखिए, खाना खाएंगे तभी आपकी बॉडी काम करेगी। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे ही आपकी बॉडी को चलने के लिए चाहिए डाइट। सो अपने डाइट को हमेशा अच्छा बना रखें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अलविदा।